हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करूंगा आप सब अच्छे होंगे। अगर आपके चेहरे पे कोई भी चोट का निशान का दाग है या फिर फोड़े पिंपल्स के वजह से दाग है तो उसको आप इजीली हटा सकते हो। इंडिया में बहुत ही सस्ता और अच्छा एक ऐसा भी क्रीम आता है जिसको काफ़ी लोग यूज़ करते भी हैं और कुछ लोगों को नहीं पता है इस क्रीम के बारे में। तो आप में से जिसको भी नहीं पता है, आज के इस वीडियो में वो क्रीम के बारे में भी बताऊँगा, उसका प्राइस भी बताऊँगा और किस कंडीशन में यूज़ करना चाहिए ये भी बताऊंगा। उससे पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पे अगर आप नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों को मिलते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं क्लोबिटामिल जी क्रीम के बारे में। ये क्रीम 25 ग्राम और 20 ग्राम, इसका 2 पैक आता है। प्राइस बहुत ही कम है, आप इसे नज़दीकी कोई भी मेडिकल स्टोर से खरीद सकते हैं। 25 ग्राम का ये क्रीम आपको मात्र 22 से 25 रुपए तक में मिल जाता है। अगर हम मेडिसिन कंपोजिशन की बात करें, इसमें 2 इंग्रेडिएंट्स है। एक है कोलोबिटासोल जिसकी मात्रा 0.005% होता है और एक है जेंटामाइसिन जिसकी मात्रा 0.1% होता है। ये दोनों दवा का क्या क्या काम है पहले वो जान लीजिए, उसके बाद आगे हम और भी रिव्यू करेंगे। कोलोबिटासोल की अगर हम बात करें, ये आपका स्किन का स्वेलिंग, इचिंग, इरिटेशन ये सबको रोकने में काफ़ी ज़्यादा मददगार होता है। इसके अलावा कोलोबिटासोल का यूज़ एक्जिमा का ट्रीटमेंट, डर्मेटाइटिस या सोराइसिस का इलाज के लिए भी किया जाता है। वहीं पे अगर हम बात करें जेंटामाइसिन की, तो यूजुअली ये जो है एक एंटीबायोटिक दवा है और जेंटामाइसिन का यूज़ सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकने के लिए किया जाता है। आपके स्किन पे कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, फंगस इन्फेक्शन होता है, उसको रोकने के लिए जेंटामाइसिन काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होता है। अब हम बात करते हैं ये क्रीम को कब यूज़ करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप में से किसी को भी कोई चोट का दाग है तो आप ये क्रीम का वहाँ पे लगा के आप अपना दाग को हटा सकते हो। 1 वीक के अंदर आपको इसका रिजल्ट मिल जाता है। आप रेगुलर ये क्रीम का यूज़ करिए, आप देखेंगे आपका जो दाग है वो धीरे धीरे हट जाएगा। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात मैं ये भी बता दूँ, टाँके का जो दाग रहता है, कई लोगों को टाँका लगता है स्किन पे, तो टाँके का दाग को ये क्रीम नहीं हटाता है। तो अगर आपके स्किन पे कहीं पे टाँके का निशान है तो वहाँ पे आप ये क्रीम को नहीं लगा सकते। इसके अलावा ये क्रीम पिंपल्स के दाग, फोड़े फुंसी के वजह से जो दाग रह जाता है वो दाग को हटाने के लिए भी आप ये क्रीम का यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा दाद निकलने के बाद स्किन में कई लोगों का दाग रह जाता है, तो इस तरह का कोई भी अगर दाग है तो आप ये क्रीम का यूज़ करके हटा सकते हो। अगर हम साइड इफ़ेक्ट की बात करें, क्योंकि हर क्रीम सबको जो है सूट नहीं करता है, कई लोगों को ये क्रीम सूट नहीं भी करता है, तो जिन लोगों को सूट नहीं करेगा ये क्रीम, उनका स्किन में जलन हो सकता है, ड्राई हो सकता है उनका स्किन, रेडनेस हो सकता है, लाल हो सकता है स्किन, खुजली या फिर हेडेक भी हो सकता है। तो इस तरह का जिनको भी साइड इफ़ेक्ट होता है, मेक श्योर आप ये क्रीम का यूज़ करना बंद कर दें। इसके अलावा ये क्रीम को छोटे बच्चे, प्रेग्नेंट वीमन या फिर जो बच्चों को दूध पिलाती हैं उनको भी यूज़ नहीं करना चाहिए। यूज़ करने से पहले डॉक्टर का एडवाइस लेना चाहिए। इसके अलावा अगर किसी का ऑलरेडी ट्रीटमेंट चल रहा है, कोई सीरियस डिजीज़ है, तो उनको भी यूज़ नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप में से जिसको भी दाग है चोट का निशान का, आप ये क्रीम को यूज़ करो, आपका दाग का निशान हट जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि आगे भी इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।